तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ कहीं स्टैंड नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अच्छा, यहाँ जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट ही आपस में ज़्यादा एक दूसरे के करीब की फाइट लड़ रहे हैं। कहीं कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कुछ महीनों से हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने का, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे आप देखिए, किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे हरियाणा भर में है, गाँव में बीजेपी और जेजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा। गारंटी कार्ड है इंडिया अलायंस का, जो गारंटी दी है, तो वो कहती है फिर ठीक है, फिर मुझे दे दो, यदि मोदी का है तो बिल्कुल मत देना और इसको मैं वरना फाड़। तो मुद्दा ये है कि जो लोग पढ़ना नहीं भी जा रहे वो भी इस मुद्दों पे मतलब टिके। नमस्कार, इवत्तु नावु पंजाब न पटियालदल्लिदीवे हागू नम्मोंदिगे दीपक लांबा अवरु इद्दारे, इल्ली अवरु इर्तारे। सो हागागि इवत्तु पंजाब मत्तु हरियाणा मत्तु ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡುವ। ದೀಪಕ್ ಜಿ ನಮಸ್ತೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। ತೋ ಸೀದಾ ಸವಾಲ್ ಪೇ ಆ ಜಾತಾ ಹೂ ಜಿ, ಕೈಸಾ ಲಗ ರಹಾ ಪಂಜಾಬ, ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ ಕೈಸಾ ಲಗ ರಹಾ ಹೈ? ಮತಲಬ ಸಬ್ಸೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚುನಾವ್ ಹೈ, ಮತಲಬ ಏಕ್ ತೋ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕೆ ಚುನಾವ್ ಹೈ ಜಿ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಮಾಹೋಲ್ ಹೈ? देखिए, किसान आंदोलन के बाद तो यहाँ विधानसभा का चुनाव भी हुआ। हाँ, हाँ। और पंजाब हमेशा से, यदि आप नेशनल पार्टीज़ की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो पंजाब में है, काफ़ी समय से है, सरकारें भी बनी, लेकिन बीजेपी यहाँ कभी अकेली सरकार में नहीं आई। आई भी तो अकाली के साथ आई। तो यदि आप बीजेपी और कांग्रेस की फाइट के बारे में पंजाब में जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ कहीं स्टैंड नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अच्छा, यहाँ जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट ही आपस में ज़्यादा एक दूसरे के करीब की फाइट लड़ रही है, लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे कैंडिडेट हर जगह हैं, अकाली के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन वन एंड टू की जो फाइट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। नेशनल इसमें इंडिया में हाँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों टक्कर के बराबर दे रहे हैं, तो उसमें कौन कितने सीट आएंगे कांग्रेस को? मुझे ये लगता है कि लगभग बराबर बराबर, या ये कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट है, लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट इन लोगों को दिया था अभी विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि लगभग बराबर की सीटें इनमें आपस में बटेंगी। ठीक है। कहीं कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कुछ महीनों से हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने का, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा। और सीटें जो 13 सीट हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ जाएंगी, 7-6, 6-7। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इस चार तरफा फाइट में कोई एक सीट अकाली को और बीजेपी को निकल जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि 11 सीट तो कम से कम इंडिया अलायंस के खाते में आएंगी। तो यही बात हरियाणा के लिए भी कह सकते हैं, मतलब वहाँ के 10 सीटों के बारे में बिल्कुल इसी तरह से हाल है। हरियाणा के बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि जब से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव। हाँ। और मुझे ये लगता है कि पंजाब में सरकारों के विरोध करने की परंपरा पुरानी रही है। यहाँ आप देखें तो किसान आंदोलन से पहले भी किसानों की यूनियन काफ़ी स्ट्रोंग थी। बिल्कुल। चाहे उसमें दोकंदा यूनियन की बात कर लें, उग्रहा साहब की बात कर लें, दर्शनपाल जी की भी अपनी एक यूनियन है, और बहुत सी यूनियन है। तो आपको पता ही है, SKM में हम लोग 32 जत्थेबंदियों के साथ पंजाब से गए थे। तो पंजाब में ऑलरेडी सरकार का विरोध करना, सरकार के खिलाफ मुद्दों पर बात करना, ये पुराना है। लेकिन हरियाणा में आप देखें, इसके कंपैरिजन में हरियाणा में इस तरह कोई बड़ा आंदोलन और संगठित आंदोलन आज तक नहीं हुआ, इन कंपैरिजन टू पंजाब। और दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव पंजाब में हो गया, वहाँ तो पहला चुनाव है जब से किसान आंदोलन हुआ है। और हरियाणा के मुद्दे ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान आंदोलन की बात है, हरियाणा में और मुद्दे भी इसके साथ ऐड अप हैं। जैसे आप देखिए, किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे हरियाणा भर में है, गाँव में बीजेपी और जेजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, मुद्दे बहुत से हैं। हमारे यहाँ अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये मुद्दे के बारे में आते हैं। पहला ये बात कर लेते हैं कि कितने सीट किसको मिलेंगे, मतलब अंदाजा ही है। मुझे ये लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट गई है, तो एक आम आदमी पार्टी के पास है, और 9 सीटें कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं।
मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में कांग्रेस की तरफ से अच्छे कैंडिडेट अब की बार दिए गए। उन्होंने सामाजिक समीकरण कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखते हुए अब की बार कैंडिडेट उतारे हैं और कुरुक्षेत्रा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, वहाँ से उनके गुप्ता जी लड़ रहे हैं। इसके अलावा 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस के कैंडिडेट सब कुछ ध्यान रख के उतारा गया है और मुझे ये लगता है कि इस बार 8 सीटें कम से कम इंडिया अलायंस को हरियाणा में मिलनी चाहिए। 2 सीट हैं जहाँ पे फाइट चल रही है, एक करनाल की सीट है और एक गुड़गांव है। इन 2 सीटों के ऊपर फाइट है और कई बार ये होता है कि अब चुनाव कल है, आपको यू नेवर नो कि हरियाणा कई बार क्लीन स्वीप देता है, तो हो सकता है कि 10 की 10 सीटें आपकी इंडिया अलायंस की तरफ चली जाएँ। चलिए, खुश तो हो जाएंगे कुछ ये बातें सुन के कुछ लोग। तो ये जो इस तरफ रुझाव जो है, ये किस मेन मुद्दे कौन से थे? एक तो दोनों, मतलब पंजाब और इसमें अगर जनरली हम बात करें जी, तो लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नाराज़ हैं या खुश हैं? अब मेन मुद्दा तो हम बात करें तो किसान आंदोलन से ही शुरू होता है। कारण ये है कि जब भी किसान दिल्ली की तरफ गए तो हमेशा हरियाणा से होके गुजरे हैं, चाहे वो 19-20 के समय गए हों या अभी भी कुछ जत्थेबंदियों ने ऐलान कर रखा है कि दिल्ली जाएंगे, वो भी हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे टिके। तो मेन मुद्दा तो किसान आंदोलन है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे मुद्दे बहुत से ऐड अप हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अग्निवीर किसान आंदोलन का मुद्दा जो है वो 1-2 साल पुराना है। लोग बैठे थे, 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है तो हमारे हरियाणा के ही पार्ट पे ज़्यादा लोग बैठे थे, वो मुद्दा है। लेकिन अग्निवीर आपके हर गांव का मुद्दा है। गांव में आप शाम को जाते थे तो बच्चे दौड़ करते दिखाई, 10 के झुंड में, 15 के झुंड में, 5 के झुंड में, हर गाँव की सड़क पर बच्चे भागते दिखाई देते थे। और किसी से हरियाणा में एक कहावत, मतलब जो बोलचाल की भाषा है उसमें आप ये नहीं कहते कि मैं रिक्रूटमेंट में जा रहा हूँ, वहाँ कहा जाता है मैं भर्ती देखने जाऊँगा। भर्ती देखने जाऊँगा का मतलब ये है कि वो पार्ट लेंगे भर्ती में। तो ये मुद्दा वहाँ पे बहुत बड़ा है और वो विजुअल है। विजुअल इसलिए है कि गांव के बच्चे जो दौड़ करते थे वो आज घर पे बैठे हैं, तो वो उनको इफेक्ट भी करता है। और दोनों जुड़े भी हुए हैं, किसान के बच्चे ही जाते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। ऊपर से बात ये हो गई कि कुछ जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच था वो जा चुका है वर्किंग में, उसमें से 1-2 बच्चे शहीद भी हुए, तो उनका जो एग्जाम्पल आता है पंजाब के कुछ लोग, बच्चे का शहीद की खबर आई तो उनको जो अग्निवीर है वो एक मुद्दा भी इफेक्ट कर रहा है गांव-गांव वो। और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कास्ट से है, वो हर तबके का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, हरियाणा में एक बड़ा सामाजिक सा आपने बहुत सुना होगा कि लोग है ना, गाँव की बेटी सबकी बेटी, ये कहावत अक्सर हरियाणा में आपको मिल जाएगी। आप गांव में कहीं भी जाइए वो कहेंगे हमारे गांव की बच्ची अक्रॉस जातीज, हमारे गांव का स्वाभिमान है और उनकी इज्जत हमारी इज्जत। लेकिन वो पहलवानों वाला जो मुद्दा था, महिला अच्छा। पहलवानों के साथ हुआ, उससे भी लोग गुस्सा हैं। वो याद है हम लोगों को, मतलब वो अभी भी जिंदा है वो मुद्दा, बिल्कुल जिंदा है। और किसान आंदोलन पुराना हो सकता है, लोगों को ये समझ ना आए कि उससे हम क्यों जुड़े थे। MSP का मुद्दा था, MSP मिलता है कुछ फसलों पर, नहीं मिलता, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन जो गुस्सा है वो लगातार कुछ मुद्दे जो हैं जो ऐड कर रहे हैं। अब आप गांव में जाइए, मतलब मेरी टीम, मैं वहीं के एक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं वोट डालने भी कल वहाँ जाऊँगा, तो हमारे युवाओं की टीम जब गांव-गांव जाके कुछ पर्चे, कुछ अपनी लिटरेचर ये सब बांटते हैं, तो आजकल माहौल ये है कि गाँव में औरत, बूढ़ी औरत, ताई जो है वो कई जगह ये पूछते हैं उनसे कि ये किसका पर्चा है। मतलब उसको पढ़ना नहीं आता, हाँ। लेकिन वो आपसे पहला सवाल ये पूछती है कि ये किसका पर्चा है, तो हम कहते हैं कि कांग्रेस का है, गारंटी कार्ड है इंडिया अलायंस का जो गारंटी दी है। तो वो कहती है फिर ठीक है, फिर मुझे दे दो, यदि मोदी का है तो बिल्कुल मत देना और इसको मैं वरना फाड़ दूंगा। तो मुद्दा ये है कि जो लोग पढ़ना नहीं भी जा रहे वो भी इस मुद्दों पर मतलब टिके हैं। गारंटी कार्ड जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसमें नो डाउट जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो कई जगह लोगों को लगता है रियलिस्टिक हैं, होगा नहीं होगा, लेकिन वो मुद्दे लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, पता चल गया, पता चल रहा है, इनको लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा। और कल मेरे ही टाउन में
इंडिया अलायंस की रैली थी, राहुल गांधी आए और रिकॉर्ड भीड़ थी उसमें। तो मुद्दा साथ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट, यही कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में ला रहा है कि हो सकता है 10 की 10 सीटें स्वीप कर जाए। ठीक है, तो आपने बताया कि मतलब पंजाब में 13 में 50-50 हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फाइट है, और हरियाणा में आपने कहा कि क्लींस भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर गुड़गांव और एक और करनाल, हाँ, तो करनाल में। तो ये तो मतलब एंड तो पूरे देश में बाकी जगह भी आप घूम के आए हैं, तो क्या लग रहा है मतलब हम जो पहला फेज था, हाँ, उससे पहले हम 4 स्टेट्स के अंदर घूमे थे, 5-6 दिन गए थे। हमने जो अपनी जर्नी शुरू की थी उत्तर प्रदेश से की, फिर हम हरियाणा आए, पंजाब, राजस्थान, ये वाले स्टेट हमने कवर किए थे। ये तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, लेकिन थोड़ा सा लोगों के बीच जाना, बात करना, तो जिन जिन जगह हम गए सब जगह जो माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ ही मिला। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम मेरठ में थे, मेरठ में आपको पता है कि वो जो रामायण वाले राम हैं उनको चुनाव को उतारा गया था, लोग ठीक है एक बार अट्रैक्ट हुए लेकिन उसके बाद जब मुद्दों की बात आई तो वो गायब हो गए। उसके अलावा वीके सिंह जी की जो लोकसभा थी जहाँ से वो लड़ते थे वहाँ से उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए राजपूत समाज नाराज था। और सहारनपुर और शामली में जो दंगों का जहर था लोगों, अब उससे उब चुके हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय जाट कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ ही काम कर रही थी, एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि यूपी के इस पार्ट में भी काफ़ी चेंज हमें देखने को मिला। दूसरे पार्ट में हम नहीं गए, ईस्टर्न साइड में नहीं गए, लेकिन इधर की तरफ जिन जिन जगह हम गए सब जगह जो माहौल था वो मोदी के खिलाफ ही बात हो रही थी। उसके अलावा राजस्थान के हम गए, राजस्थान में 5 जगह हमने कवर अप किया। हम चूरू से शुरू हुई, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, इन जगह हम घूम के आए। सभी जगह लगभग इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की जीतने की संभावनाएं थी। अच्छा। तो ये बेल्ट बेसिकली जो है हरियाणा के साथ लगता किसान आंदोलन का बेल्ट है। तो और किसान मतलब आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर बाकी जगह पे भी पड़ चुका है, और यूपी में तो मतलब टिकाए थे, मतलब बाकी बहुत से लोग गए भी थे। आपकी बातों से मुझे मतलब सीटों का तो बात तो वो है जी, लेकिन किसान आंदोलन का असर बहुत गहरा है और वो गांव-गांव में आ चुका है, वो लोग उसको याद रखते हैं। और जो ये हुआ जो कुछ अग्निवीर का जो है, अग्निवीर का भी मतलब रूरल एरियाज में मतलब और अक्रॉस कम्युनिटीज़ पे वो असर पड़ रहा है, और हमारे जो पहलवानों पे जो ये हुआ था हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था ब्रिजभूषण के खिलाफ जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो भी है। तो मतलब मैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो प्रोटेस्ट्स जितने भी हुए हैं वो एक तो नीचे से भी आए थे, गांव-गांव से भी आए थे, और उन्होंने पूरे गांव-गांव तक असर भी किया है। तो मुद्दों को उन्होंने ज़िंदा रखा है तो ऐसा कह सकते हैं, और झूठे जो मुद्दे हैं जो मुद्दे नहीं होना चाहिए उसको मुद्दा बनने नहीं दिया, जैसे हिंदू मुसलमान हो उस तरह के मुद्दे बनने नहीं बने इस बार नहीं बन रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है, जो हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं या गांव की बात कर रहे हैं, आप इसको यदि सामाजिक तौर पर देखें तो जिन लोगों ने 2014 और 19 में मोदी को वोट दिया वही लोग किसान आंदोलन में मोदी के खिलाफ थे। अच्छा। वही लोग हैं जिनके बच्चे अग्निवीर योजना की वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मोदी को सपोर्ट करने वाला ग्रामीण क्षेत्र था आज की डेट में वही उसके खिलाफ नजर आता है। और जो इन्होंने एक मुद्दा बड़ा बनाने की शुरुआत की थी कि राम मंदिर और ये मुद्दा कहीं भी गांव के स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्र में ये मुद्दा है ही नहीं। तो बेसिकली मोदी के समर्थक ही मुद्दों पे उसके खिलाफ आज की डेट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हम इसको एंड कर सकते हैं। एक तो हाँ मतलब हमको सबको हक है कि किसी को भी पसंद करे और सपोर्ट करे, लेकिन मुद्दे सही हों वो तो हम चाहते हैं, और लोगों ने किसी को भी सपोर्ट किया लेकिन मुद्दों पे आके ये चुनाव लड़ा जा रहा है जहाँ जहाँ आप घूमे हैं। तो और लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया उसका भी असर पड़ रहा है, लोग सही मुद्दों पे चुनाव में वोट कर रहे हैं।
तो इस अगर ऐसा हम समझ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र दोबारा से अपने जो ट्रैक है उस पर आ गया है। वन मैन शो नहीं हो रहा देश में। दूसरा है मुद्दा बोल बोल के ही, यदि राहुल गांधी की इमेज भी आप देखें बढ़ी है तो वो इस वजह से बढ़ी है कि वो सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहा है। तो जनता चाहती है कि लोकतंत्र दोबारा से देश में कायम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू दीपक लांबा जी। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।